हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सेमेस्टर में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो एशियन हिस्ट्री है उसके लेक्चर्स को, ठीक है। और इस लेक्चर्स में हम लोग कवर करेंगे 25 क्वेश्चन, और 25 क्वेश्चन के साथ साथ उसके एक्सप्लेनेशन और फैक्ट को भी कवर किया जाएगा, और जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे उन्हीं को बस बताया जाएगा, क्योंकि टाइमिंग आपके पास कम है, ठीक है ना। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे, और आप भी एग्जाम की करते रहिए तैयारी। उससे पहले यदि आप किसी भी प्रकार के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाना चाहते हैं तो व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोर्स परचेज करना है, एक नेक्स्ट लेवल का कोर्स, मतलब उसमें सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी, आपको लेक्चर से लेकर के टेस्ट सीरीज और साथ ही साथ मटेरियल्स भी आपको भरपूर दिए जाएंगे, सेलेक्टेड दिए जाएंगे, इधर उधर का मटेरियल्स नहीं दिया जाएगा। तो जल्दी से आपको टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, और टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप वहाँ से किसी भी प्रकार की तैयारी कर सकते हैं, चाहे वो इंट्रेंस एग्जाम सेमेस्टर या फिर किसी कंपटीशन लेवल तक की तैयारी अगर करना चाहते हैं तो इस प्लेटफॉर्म से आप कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करेंगे। हम लोग देखेंगे यहाँ पर मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQ AAC 105 और Unit 1 है, ठीक है ना। तो Unit 1 के 25 टॉप 25 क्वेश्चंस इस वीडियो लेक्चर्स में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए देर न करते हुए यहाँ पे आ जाते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं, वह दार्शनिक विचारक जो राज्य को सर्वाधिक उपयुक्त संस्था मानता है, द फिलोसफर थिंकर्स हु कंसिडर द स्टेट टू बी मोस्ट अप्रोप्रिएट इंस्टीट्यूशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे अभी समझने की आवश्यकता है कि यहाँ पे जो अरस्तु महोदय हैं, कौन अरस्तु महोदय, ये क्या है, ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि जो राज्य है ये सर्वाधिक उपयुक्त संस्था है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब ये समझिए कि इनको राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है, क्यों माना जाता है, इसके पीछे जितने भी कारण पॉलिटिकल साइंस में हमने आपको बता दिया था। अब समझिए, जो राज्य को सर्वाधिक उपयुक्त संस्था मानता है, और यही व्यक्ति कहता है कि जो परिवार है, परिवार ये भी एक छोटी इकाई है, संस्था की ही एक छोटी इकाई है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, और यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोनों ही ऑप्शंस आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना, हिंदी में और इंग्लिश में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए दोनों क्वेश्चंस के सही हो जाएंगे, ठीक है, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों क्वेश्चंस है जो हिंदी और इंग्लिश में है, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चंस किस प्राचीन सभ्यता में प्रत्येक परिवार में पूर्वजों की पूजा की जाती थी, तो पूर्वजों की पूजा की जाती थी वो कौन सी सभ्यता थी, क्वेश्चन ऐसे है, ठीक है ना। ऑप्शन में है चीन, मिस्र, मेसोपोटामिया और उपर्युक्त सभी, चाइना, इजिप्ट और मेसोपोटामिया, ऑल ऑफ द एवो, ठीक है ना, यानी कि उपर्युक्त के जितने में, ठीक है ना। इंग्लिश में भी देख लीजिए, क्वेश्चन कह रहा है कि इन विच एशियंट सिविलाइजेशन एंकर्स वेयर्स वर्शिप्ड इन एवरी फैमिलीज, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चंस यही है आपका कि जो पुरानी सभ्यताएं हैं उनमें से कौन कौन सी ऐसी सभ्यताएं हैं जिनमें पूर्वजों की पूजा की जाती है, यानी जो मर चुके हैं, जो पूर्वज है, जो पिछला जनरेशन है उसकी पूजा की जाती है। तो आपका सही आंसर ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है ना, कौन सा हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इतिहासकार इतिहास के अध्ययन के लिए किन किन साधनों का प्रयोग करते हैं, इंग्लिश में क्वेश्चन इसको देख लेते हैं। व्हाट टूल्स डज हिस्टोरियंस यूज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री, ठीक है ना, हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए, हिस्ट्री को पढ़ने के लिए कौन कौन से ऐसे साधन हैं जो हिस्टोरियंस यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें आंसर्स कौन से हो सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए साहित्यिक स्रोत, और ऑप्शन नंबर बी पुरातात्विक स्रोत, ऑप्शन नंबर सी विदेशियों का विवरण, ठीक है। ये तीनों के तीनों ही ऑप्शन आपके सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। साहित्यिक स्रोत की यदि बात करें तो जो किताबें लिखी जाती थी वो होती हैं साहित्यिक स्रोत, जैसे मान के चलते हैं रामायण, महाभारत, ठीक है, और भी बहुत सी ऐसी किताबें हैं, जैसे आपका कालिदास को आपने देखा है कई किताब लिखे हैं, और भी जितने भी हिस्टोरियंस हैं उन्होंने अपने अपने ज़माने में बहुत सी किताब लिखी हैं। जब हमने आपको मुगल वंश पढ़ाया था तो मुगल वंश के बारे में आपने देखा कि बहुत से ऐसे जो नवाब थे, जो राजा थे, जो शासन करते थे, वो अपने अपने विद्वान रखते थे, और वो उनके ज़माने के जो उनके समय के जो भी घटनाएं होती थी उनके बारे में वर्णन करते थे, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। पुरातात्विक स्रोत का क्या मतलब है, पुरातात्विक स्रोत का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें वहाँ पर पाई गई, ठीक है, जो बताती हैं कि यहाँ पर ये चीज़ें विद्यमान थी या फिर इसका अस्तित्व है,
ठीक है ना। और विदेशियों का विरोध मतलब जो भारत में आए थे विदेशी, जैसे आपका चीन से भी विदेशी आए थे, अफ्रीका से आए थे, और भी कई जगहों से विदेशी भारत में आए थे, और उन्होंने अपने अपने हिसाब से भारत की उस समय की होने वाली घटनाओं का वर्णन किया है, और यही कारण है कि वो भी बहुत ही सटीक हमको प्रमाण देता है। ठीक है, तो ये तीनों ही ऑप्शन आपके सही हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है ना, इंग्लिश में और हिंदी में दोनों। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल मानव उत्पत्ति से कितने ईस्वी पूर्व था। ठीक है ना, इंग्लिश में देख लेते हैं। प्री हिस्टोरिक पीरियड इज हाउ मेनी ईयर्स बिफोर ह्यूमन ओरिजिन वास। ठीक है ना, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो हमारा हमारा जो काल है प्रागैतिहासिक काल, ये मानव उत्पत्ति से 3000 पूर्व वर्ष पहले है। प्रागैतिहासिक काल का मतलब क्या होता है, प्रागैतिहासिक काल का मतलब होता ही है कि उस समय से धीरे धीरे जीव जंतुओं का ओरिजिन होना। ठीक है, अभी तक ह्यूमन का ओरिजिनेशन नहीं हुआ है। ठीक है ना, तो ये भी आपको याद में रखना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका आद्य ऐतिहासिक काल का समय था। ठीक है ना, व्हाट वाज द टाइम्स ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है ना, आपका सही आंसर हो जाएगा 3000 ईस्वी पूर्व है। ठीक है ना, 3000 ईस्वी पूर्व और 600 ईस्वी पूर्व के बीच में। ठीक है ना, और इसमें आपकी आ जाती है सिंधु घाटी सभ्यता भी, सिंधु घाटी सभ्यता, और इसमें आपकी जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता। ठीक है, ये दोनों की दोनों आ जाती है। ठीक है ना, तो ये दोनों के दोनों बल्कि ये आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आ जाती हैं। और बता दें आपको, नहीं सॉरी सॉरी, ये जो है वैदिक सभ्यता ये आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत नहीं आती है, बल्कि ये जो आपका प्रागैतिहासिक काल है उसके अंतर्गत आ जाती है, क्योंकि इस समय की जो चीज़ें हैं उस समय लिखी नहीं जाती थी, सिर्फ बोल करके याद रखी जाती थी। ठीक है ना, तो इसको उसमें रखा जाता है, और कई हिस्टोरियंस ऐसे मानते हैं कि ये जो है आद्य ऐतिहासिक काल में भी आती है वैदिक सभ्यता, और कई हिस्टोरियंस ऐसे मानते हैं कि ये प्रागैतिहासिक काल में भी आती है। ठीक है ना, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है ना, अगर 3000 से 6000 ईस्वी पूर्व दे रहा है तो ये आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आएंगी। मैं दोनों बातें क्लियर करता चलता हूँ। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसको आपने हिंदी और इंग्लिश दोनों में देख लिया, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका ऐतिहासिक काल माना जाता है, ऐतिहासिक काल माना जाता है। ऐतिहासिक काल का मतलब क्या है, ऐतिहासिक काल से मतलब ये होता है कि अब वर्तमान समय में लिखने और पढ़ने दोनों तरीके से हम लोग सफल हो चुके हैं। ठीक है ना, यानी कि जो लिखा जा सकता था वो पढ़ा जा सकता था, और वही चीज़ें आज हम वर्तमान समय में पढ़ रहे हैं, और इसको माना जाता है 600 से बाद। ठीक है ना, तो 600 से आगे जो है ऑप्शन आपका ए नंबर सही हो जाएगा, 600 के बाद। ठीक है ना, 600 के बाद। ठीक है, अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सातवां नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रागैतिहासिक काल जिसे कहा जाता है, यानी प्रागैतिहासिक क्या काल होता है, समझिए इसको थोड़ा सा, इसके डिवीजन को समझ लीजिए। होता क्या है, इतिहास को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, इतिहास। ठीक है, 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं, पहला है आपका प्रागैतिहासिक, और दूसरा आद्य ऐतिहासिक, और तीसरा ऐतिहासिक। ठीक है ना, अब ध्यान से समझे, यहाँ पे पढ़ लिख नहीं सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं पढ़ नहीं सकते हैं, और यहाँ पे पढ़ा और लिखा दोनों जा सकता है, यहाँ राइट कर सकते हैं। ठीक है ना, और यहाँ पे कुछ भी नहीं, ख़त्म कर दीजिए, और यहाँ पे राइट और रीड दोनों। ठीक है ना, क्लियर है, तो ये दोनों के दोनों आपको याद रखना है। तो इस तरीके से प्राचीन भारत का वह काल जिसके लिए कोई लिखित साधन उपलब्ध नहीं है प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। व्हाट इज कॉल्ड प्री हिस्टोरिक पीरियड, दैट्स पीरियड ऑफ एशियंट इंडिया फॉर विच नो रिटन रिसोर्स आर अवेलेबल। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ जाते हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आठवां नंबर का क्वेश्चन कह रहा है प्राचीन भारत के इतिहास में एक ऐसा समय था जब मनुष्य लिखना तो जानता था लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता था, उसे कौन सा काल कहते हैं। देयर वॉज टाइम्स इन हिस्ट्री ऑफ एशियंट इंडिया वेन ह्यूमन्स न्यू हाउ टू रिटेन बट कुड नॉट रीड।
विच पीरियड्स इज कॉल्ड, उस काल को कौन सा पीरियड कहा जाता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक काल। अभी जब हमने आपको क्या बताया है, इतिहास का विभाजन, ठीक है ना, तो इतिहास का विभाजन जब हमने आपको बताया तो उसमें हमने बताया तीन पीरियड्स को, प्राग ऐतिहासिक, ठीक है, जिसे हम लोग प्री हिस्ट्रिक, आद्य ऐतिहासिक जिसे हम लोग एशियन नहीं बोलते, इसको थोड़ा सा मेरे दिमाग से उतर गया, और ये जो है आपका हो जाएगा ऐतिहासिक, ठीक है ना। तो ये दो तीनों जो है काल विभाजित है इस तरीके से। यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे लिखा तो जा सकता था लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता था, यहाँ पे आपका लिखा भी नहीं जा सकता है और पढ़ा भी नहीं जा सकता है क्योंकि इस समय कोई लिपि थी ही नहीं, ठीक है ना, और यहाँ पे आपका लिखा और पढ़ा दोनों जा सकता है, ठीक है ना। तो ये दोनों के दोनों आपको याद रखना है जो इतिहास का विभाजन है, और ये आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग बढ़ जाते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है क्वेश्चंस कह रहा है, इतिहास लिखते समय साहित्यिक, पुरातात्विक एवं विदेशियों के विवरण का उपयोग किया जाता है, उस काल को क्या कहा जाता है। रिटन वाइल्ड रिटन हिस्ट्री लिटरेसी आर्कोलॉजिकल एंड डिस्क्रिप्शंस फॉर फॉरेनर्स आर यूज What is that period called, ठीक है ना, यानी कि एक ऐसा समय जिसमें सभी चीज़ों का यूज करके लिखना पढ़ना, फॉरेन की जो चीज़ें हैं वो भी लेकर के लिखना, पुरातात्विक जो साक्ष्य मिले वो भी लेकर के लिखना, इन चीज़ों को जानना और एक तरीके से रिसर्च करना, ठीक है ना, इन सभी का यूज करके अगर हम लोग इतिहास का अध्ययन करते हैं तो इस अध्ययन को क्या कहते हैं, तो ऐतिहासिक काल कहते हैं इसी को, ठीक है ना, ऐतिहासिक काल। और इसके बारे में हमने आपको बताया है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। 10वां नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास को जानने के साधन है, भारतीय इतिहास को जानने के कितने साधन है। पहला है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा है साहित्यिक स्रोत, तीसरा है विदेशी रचनाओं या यात्रियों का विवरण। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। इंग्लिश में देख सकते हैं, व्हाट आर द मीन्स टू नो इंडियन हिस्ट्री, ठीक है ना। तो व्हाट आर द मीन्स टू नो इंडियन हिस्ट्री आपका सही आंसर, ये तीनों के तीनों हो जाएंगे, इसलिए ऑल ऑफ द एबव ये सही आंसर्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चंस आपका क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपका पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आते हैं, पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत क्या आते हैं भाई, अभिलेख भी आ जाते हैं, सिक्का भी आ जाता है, स्मारक भी आ जाता है, ठीक है ना। क्या क्या आपके रिकॉर्ड्स, क्वाइंस और मेमोरियल्स, ये सभी के सभी आ जाते हैं, ठीक है ना, अभी पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत, ठीक है ना। अब इसलिए आप ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, ठीक है ना। अब ध्यान से समझिए अभिलेख क्या होता है। देखिए अभिलेख जो है तीन टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना। अभिलेख जो होता है, जैसे पत्थरों पे जो लिखा जाता था उसको अलग कहते हैं, और जो स्तंभ लेख होता था, स्तंभ लेख का मतलब बड़े बड़े पिलर्स बना करके लिखे जाते थे, उसे स्तंभ लेख बोलते हैं, ठीक है ना, तो वो अलग होता है, ठीक है ना। सिक्के उस समय के जो बनते थे, और स्मारक, ठीक है ना, ये स्मारक वही जो स्तंभ होता था उसी को स्मारक कहते हैं, ठीक है ना। तो ये तीनों के तीनों आपके पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है ना, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपका क्लियर हो गया, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भवन, मूर्तियाँ तथा चित्रकलाएँ किस ऐतिहासिक अध्ययन के साधनों के अंतर्गत आ जाती हैं। बिल्डिंग्स, स्टैचू एंड पेंटिंग्स कम अंडर विच मीन्स ऑफ हिस्टोरिकल स्टडी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पुरातात्विक स्रोत, ठीक है ना। पुरातात्विक स्रोत ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो पुरातात्विक स्रोत होते हैं, कुछ चीज़ें जो मिलती हैं उसके बारे में, पुरातात्विक स्रोत से सीधा सीधा मतलब हम कह सकते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी लिखी हुई पड़ी हैं, जैसे आज वर्तमान समय में कोई रोड वगैरह बनता है तो रोड वगैरह के साइड में लिखवा दिया जाता है कि फलाने नेता के द्वारा इसका पुनर्निर्माण किया गया, या फिर फलाने नेता के द्वारा ये बनवाया गया, ठीक है ना। और वो मान के चलिए आज से 1000 साल बाद वो मिले, पत्थर पर लिखा हुआ मिले, तो उस समय के लोग सोचेंगे अच्छा ये पत्थर हुआ है, इसी पर लिखा हुआ था, उस समय के लोग डेवलप थे। जैसे आज हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं, और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो कुछ भी लिख करके चले गए, हम लोग मुहर पाए, मुहर का अध्ययन कर रहे हैं, हम लोग पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उन सबकी लिपि भाव चित्रात्मक थी, वो सब चित्र बनाते थे, लिखते ही नहीं थे, ठीक है ना, तो चित्रों से वो सब समझते थे। तो आज हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं, कहते अच्छा ये पढ़ा लिखल तो थो, लेकिन हम लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उस समय की लिपि जो थी अलग थी, और आज हमारी जो लिपियाँ हैं वो अलग है, ठीक है ना। तो आज वर्तमान समय में जो हमारी लिपियाँ हैं, पता चले कि 1000 साल बाद कोई अगर इसको चेक करे तो उसको कुछ नहीं पता चलेगा, समझ नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, तो ये यही चीज़ें जो होती है यही होती है पुरातात्विक साक्ष्य, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत आने वाले साधनों का अध्ययन करने वाले व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? What is the person called who study the resource under the archaeological source? Archaeological source का जो अध्ययन करते हैं उन्हें क्या कहेंगे? पुरातत्वविद कहेंगे, ठीक है ना। पुरातत्वविद का मतलब क्या है कि यही लोग ऐसे होंगे जो पुरातात्विक सिक्कों का, जैसे सिक्कों का अध्ययन, साथ ही साथ पिलर पे कोई भी चीज लिखा गया उसका अध्ययन, पहाड़ों पत्थरों पे लिखा गया उसका अध्ययन करने का कार्य करते हैं। इंग्लिश में हम इन्हें बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है ना। आर्कियोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है कि पुराने पुराने चीज़ों को ढूंढेंगे और देखेंगे उसमें क्या लिखल है, ठीक है ना। और जब पढ़ लेंगे तब तो ठीक है, नहीं पढ़ पाएंगे तो कहेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपने देखा कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है पांडुलिपियां किस पर लिखी जाती थी? व्हाट वेयर मैन्युस्क्रिप्ट रिटन ऑन। पांडुलिपियां जो लिखी जाती थी वो लिखी जाती थी ए और बी। ए और बी का मतलब क्या है? ताड़पत्रों पर, भुर्ज नामक पेड़ की छाल पर, बांस पत्रों पर नहीं लिखी जाती थी, ठीक है ना। बांस पत्रों पर नहीं लिखी जाती थी बल्कि किसके किस पर लिखी जाती थी? ताड़पत्र और भुर्ज के पेड़ पर, ठीक है ना। इंग्लिश में पाम लीफ और बार्क ऑफ द ट्री कॉल्ड ब्रिज, ठीक है ना। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें लिखा हुआ ए और बी दोनों। क्योंकि जो लिखा जाता था पहले के ज़माने में, आप लोग देखे होंगे, आप लोग अगर धार्मिक चीज़ों पर बहुत लगाव रखते होंगे या धार्मिक चीज़ों को देखते होंगे तो वहाँ पर आप देखते होंगे कि जो ऐसे ऐसे पत्ता पत्ता की तरह रखा होता था, उसमें बढ़िया बढ़िया मंत्र लिखे गए थे, किसी को वशीकरण करने का, किसी को मतलब कुछ भी है, समझ सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है ना। तो वो चीज़ें होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 14 नंबर के क्वेश्चन है ये, ताड़पत्र और भोज नामक का छाल, ये दोनों सही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ए और बी दोनों सही है। इंग्लिश में भी वही होगा, ठीक है ना, इंग्लिश में अलग नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? वो अभिलेख जो पहाड़ों पे, पत्थरों पे, स्तंभों पे पाए गए उनको क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो उसको कहते हैं पुरालेख शास्त्र, उनके अध्ययन को कहते हैं पुरालेख शास्त्र, ठीक है ना। इंग्लिश में व्हाट वाज द स्टडी रिकॉर्ड कॉल्ड, ठीक है ना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा एपिग्राफी, एपिग्राफी, ठीक है ना। इंग्लिश में एपिग्राफी और हिंदी में पुरालेख शास्त्र, हिंदी में पुरालेख शास्त्र, ठीक है ना। ये दोनों को आपको याद रखना है, इंग्लिश और हिंदी दोनों, ठीक है ना। इंग्लिश वाला याद रखें, हिंदी वाला याद रखें, ठीक है ना। अभिलेखों का अध्ययन कहा जाता है क्या? पुरालेख शास्त्र। यहाँ पे व्हाट इज द स्टडी ऑफ द रिकॉर्ड्स कॉल्ड, आपका सही आंसर हो जाएगा एपिग्राफी, ठीक है ना। अब आगे बढ़ जाए, चलिए बढ़ जाते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पुराने दस्तावेजों को प्राचीन तिथि अध्ययन को क्या कहते हैं? व्हाट वॉज द स्टडी ऑफ द एंशियंट डॉक्यूमेंट्स इज कॉल्ड, आपका सही आंसर हो जाएगा पुरालिपि शास्त्र, ठीक है ना। क्या सही आंसर हो जाएगा? पुरालिपि शास्त्र, ठीक है ना। यहाँ पर भी आपका हो जाएगा पैलियोग्राफी, पैलियोग्राफी, पुरालिपि शास्त्र, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। इंग्लिश में भी क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज द स्टडी ऑफ एंशियंट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है ना। तो आपका सही आंसर यहाँ पे पुरालिपि शास्त्र हो गया, ठीक है। तो इसमें सिर्फ इतना ही है, इसमें कुछ फैक्ट वगैरह है नहीं, इसलिए आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से अभिलेखों के स्रोत को क्या क्या कहते हैं? अभिलेख के स्रोत क्या क्या है? व्हाट आर द सोर्स ऑफ रिकॉर्ड्स, ठीक है ना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, स्तंभ भी, स्तूप भी, मुहर भी, ठीक है ना। स्तंभों पर यानी कि जो पिलर्स बनाए जाते थे उस पर भी लिखे जाते थे, और जो स्तूप बनाए जाते थे, स्तूप का मतलब क्या होता है, जैसे जो बौद्ध लोग थे और बौद्धों के बड़े बड़े स्तूप होते थे, और स्तूपों में उनकी जो लाशें होती थी या फिर ये कहें कि उनका जो कब्र होता था वो रखा जाता था, ठीक है ना। और उसी पे कुछ ना कुछ चीज़ें उस समय के ज़माने में अपने हिसाब से अपने लिपि के अकॉर्डिंग वो सब लिखते थे, धार्मिक मंत्र लिखते होंगे या फिर कुछ भी, ठीक है, लिखते थे, और उसको जो है पढ़ा जाता था। आज अगर उसको पढ़ने में सक्सेस हो गए तो बढ़िया है, नहीं पढ़े तो सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुहरों पर भी हुआ मिलता था, जो स्तूप है उस पर भी लिखा हुआ मिलता था, और आपका जो स्तंभ है उस पर भी लिखा हुआ मिलता था। यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका सील्स है, और जो आपका स्टेप्स है, और जो आपका कॉलम्स है, ये तीनों पे लिखा हुआ मिलता था, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं, अभिलेखों की भाषाएं हैं, व्हाट आर द लैंग्वेज ऑफ इंस्क्रिप्शन, तो आपका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि उस समय प्राकृत, लोक और संस्कृत, यानी कि पाली, प्राकृत और संस्कृत, ये पाली ही बोलेंगे हम इसको,
पी ओ एल आई, ठीक है ना, पी एल आई पाली ही बोले, ठीक है, पाली, प्राकृत और संस्कृत, ये तीनों की तीनों भाषाएं उसमें बोली जाती थी, बोलने के लिए तो बोली जाती थी लेकिन लिखने का भी जो रिसोर्सेस था यही था, ठीक है ना, पाली, प्राकृत और संस्कृत, ठीक है, ऐसा माना जाता है पाली और प्राकृत बौद्धों की भाषाएं हैं और संस्कृत जो है ये ब्राह्मणों की भाषाएं हैं, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे पुराने अभिलेख किस सभ्यता की मुहरों पर मिलते हैं? तो सबसे पुराने अभिलेख जो मिलते हैं वो हड़प्पा की सभ्यता पर मिलते हैं, और जो हड़प्पा की सभ्यता उस पर जो मुहरें थीं उस पर जो लिखा हुआ चीज़ मिलता था वो चित्र बना हुआ मिलता था और उसी को लिखा हुआ माना जाता था। कारण क्या है? कारण ये है कि उस समय जो लिपि हुई थी, डेवलप हुई थी, जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें भाव चित्रात्मक थी वो, ठीक है ना, भाव चित्रात्मक का मतलब चित्र बना करके उसका भाव प्रकट किया जाता था, ठीक है ना, और उस समय एशियन टाइम का वो शहर भी माना जाता था, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हड़प्पा सिविलाइजेशन। इंग्लिश में देख लेते हैं, द ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शंस आर फाउंड ऑन द सील विच सिविलाइजेशन, आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा सिविलाइजेशन, ठीक है ना, हड़प्पा सभ्यता के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वप्रथम जेंस प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सफलता कब मिली, ठीक है ना, यानी जो अशोक हैं, ठीक है, इनका अभिलेख है सम्राट अशोक, और किसने पढ़ा है, जेम्स प्रिंसेप ने, कब पढ़ा है, 1837 में, कब पढ़ा है, 1837 में, ठीक है, 1837, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, एक राजा थे जिनका नाम है अशोक, ठीक है ना, सम्राट अशोक थे, उनका राज्य में प्रचलन था, राज्य के बहुत महत्वाकांक्षी, बहुत ही प्रतापी, बहुत ही महान राजा थे, उन्होंने कुछ लिखवाया था और उसको पढ़ने का काम किया था किसने, जेम्स प्रिंसेप ने, और वो अपनी भाषा में लिखवाए थे, पाली में लिखवाए थे, क्या लिखवाए थे कि हमारे राजाओं जो ये मतलब हमारी जो प्रजा है ये कैसे काम करेगी, जो राजा के सभी व्यक्तित्व हैं आसपास में जो लोग रहते हैं, जो शासन कार्यभार को भी संभालते हैं, वो लोग कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, सभी को निर्देश देने का कार्य वो किए थे, ठीक है ना, कौन, जो सम्राट अशोक हैं, तो उनको पढ़ने का काम किसने किया, जेम्स प्रिंसेप ने, ठीक है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ जाते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है, आरंभिक अभिलेखों की भाषा क्या थी, भाई आरंभिक अभिलेख जो शुरू में जो अभिलेख मिलते थे उनकी भाषा संस्कृत मानी जाती है, उसके बाद माना जाता है पाली और प्राकृत, ठीक है ना, सबसे पहले संस्कृत को माना जाता है और उसके बाद पाली और प्राकृत को माना जाता है। व्हाट वाज द लैंग्वेज ऑफ द अर्ली रिकॉर्ड्स, अर्ली रिकॉर्ड्स का मतलब जो उस समय सबसे पहले अगर कोई भाषा ऑब्जर्व की गई तो वो कौन सी थी, तो वो थी आपकी संस्कृत, ठीक है, उसके बाद पाली, उसके बाद प्राकृत, ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है। मैं बार बार कहें, ये बौद्धों की भाषाएं मानी जाती थी और ये मानी जाती थी संस्कृत सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों की भाषा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सक शासक रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख किस भाषा में लिखा गया पहला अभिलेख था, द जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ द सक रूलर्स रुद्र दामन वॉज द फर्स्ट इंस्क्रिप्शन रिटन इन विच लैंग्वेज, विच लैंग्वेज, तो आपका सही आंसर हो जाएगा संस्कृत, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, संस्कृत। संस्कृत से हम लोग मान सकते हैं कि ये जो रुद्रदामन है ये कौन से शासक थे, तो ये हिंदू शासक हैं, ठीक है ना। इंग्लिश में भी वही है संस्कृत, क्योंकि संस्कृत इंग्लिश में भी वही लिखेंगे और हिंदी में भी वही लिखेंगे, ठीक है ना, तो दोनों बातें एक ही हैं, बस वर्ड अलग हो जाएगा हिंदी और इंग्लिश का, ठीक है ना। तो यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो कह रहा है भारत से बाहर मिलने वाले प्राचीनतम अभिलेखों में किन किन देवताओं के नाम मिले हैं, नेम ऑफ विच वैदिक गॉड्स फाउंड इन द ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शंस फाउंड आउटसाइड इंडिया, भारत से बाहर आप समझ पा रहे हैं कि जो भारतीय देवता है वो भारत से बाहर भी मिले हैं, कौन कौन से, इंद्र, मित्र और वरुण, ठीक है ना। इससे ये स्पष्ट होता है कि या तो ये इंडिया से बाहर गए होंगे या फिर बाहर से इंडिया में आए होंगे, ठीक है ना, दो चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो रही हैं, ठीक है ना। तो इंद्र, मित्र और वरुण जो कि हमारे हिंदू धर्म के बहुत ही विशिष्ट देवता माने जाते हैं, ये लोगों का जो मिला था एक अभिलेख मिला था उस समय भारत से बाहर मिला था, ठीक है ना, तो उसमें ये मिले हुए थे, ठीक है, उसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, बहुत बढ़िया अभिलेख है, बहुत फेमस अभिलेख है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुद्रा शास्त्र, ठीक है। सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है हिंदी में मुद्रा शास्त्र और इंग्लिश में कहा जाता है मोनेट्रिज्म, ठीक है ना, मोनेट्रिज्म, ठीक है ना। व्हाट इज द स्टडी ऑफ द क्वाइंस कार्ड, ठीक है ना, तो मोनेट्रिज्म आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो
बढ़ जाते हैं क्वेश्चन से आपका, प्राचीनतम सिक्के बने होते हैं, द ओल्डेस्ट क्वाइन वेयर मेड किसके द्वारा बने होते हैं, तो सोना चांदी और तांबा, ये तीनों के द्वारा प्राचीनतम सिक्के बने थे, गोल्ड सिल्वर कॉपर, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त जब हम लोग मेडाइवल हिस्ट्री पढ़ते हैं तो मेडाइवल हिस्ट्री में कई ऐसे राजा देखे गए जो चमड़े का भी सिक्का बनवाए थे और साथ ही साथ शीशे का भी सिक्का बनवाए थे, ये भी आपको जानना है। लेकिन फिलहाल ये मतलब एशियन टाइम की बात नहीं, मिडिवल टाइम की बात, ठीक है ना। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, आपको 25 क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए गए हैं इस लेक्चर्स में, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में, तब तक के लिए आप जी, तो आप लोगों का पीडीएफ भी ऐप में अपलोड कर दिया गया है, तो जल्दी से आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, और साथ ही साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको पहले ही इंफॉर्मेशन मिल जाए, कहीं भी आपको भटकने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। यहाँ पे कम्प्लीटली कोर्स आपको दिया जा रहा है, इसीलिए टारगेट गुरुकुल ऐप को जल्दी ही डाउनलोड कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।